नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जनपद कासगंज के पटियाली क्षेत्र के ग्राम सनौड़ी में आज 1600 मीटर की विशाल दौड़ प्रतियोगिता का कार्यक्रम तेजेंद्र व उनकी टीम के द्वारा कराया गया, जिसका शुभारंभ सपा विधायक नादरा सुल्तान ने फीता काट कर किया और विजेता बच्चों को अपने हाथों से इनाम वितरित किए और भगवान को सभी विजय बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमारे देश का यही युवा देश का भविष्य है और इस तरह के कार्यक्रम सभी लोगों को करने चाहिए। यही बच्चे पुलिस, फौज, एयरफोर्स में जाकर हमारे देश की सेवा करते हैं, तब जाकर हम लोग अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। 11 विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दबंगों ने 150 मजदूर साथ में ले जाकर गरीब महिला का घर गिरा दिया और सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। मोबाइल, रुपए और जेवर लेकर भाग गए। दबंगों के द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी, जिसकी प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई। खबर डीबी भारती समाचार में प्रकाशित होने के बाद एक्शन के मूड में आई भीरा पुलिस, 3 दबंगों को किया गिरफ्तार। राजस्व विभाग के लेखपाल ने बनाई थी फर्जी रिपोर्ट। सैकड़ों की तादाद में दबंगों के द्वारा उजाड़ा गया है पीड़ितों का घर और गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ 3 लोगों की। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, पीड़ित को मिलेगा इंसाफ या फिर नहीं, बाकी दबंगों की कब तक होगी गिरफ्तारी। नमस्कार साथियों, मैं मासू कली, आप देख रहे हैं डीबी भारत समाचार। मैं इस वक्त कलिया रोड पे मौजूद हूं, जो कि यहां पे आपको दिखाना चाहेंगे एक गरीब परिवार के दबंगों के द्वारा सामान पड़ा हुआ। हम जानेंगे परिजनों से क्या मामला इनका है, क्या चीज़ है, थोड़ा गया है, इनसे लोगों से जानेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे माता जी का है, माता जी से हम जानेंगे कि क्या है मामला इनका, जो कि इनका सामान सब इधर उधर गिरा पड़ा हुआ है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? छोटी। कहाँ रहती है? क्या है मामला आपका? सामान मामला का है, ये देखो जो विवेकानंद स्कूल के पड़ोस में मेरा घर, घर सब पूरा उसने कब्जा कर लिया है। पुलिस में गई थी? हाँ, पुलिस में गए थे। क्या बताया पुलिस ने? बताया कहा है जब बिके हुए हैं तो फिर बताना का, भगाई देना, भगाई दिया था, भगाई दिया था भैया। हाँ, क्या नाम आपका? कहाँ रहती है? जी हमारी ये माँ का घर है, हम तो अपने ससुराल रहते हैं। क्या है मामला? जी मामला क्या, हमारी माँ का ये घर तोड़ फोड़ के बिल्कुल कब्जा कर लिया गया। मैंने बताया है, हमारा घर तोड़फोड़ कर कब्जा कर लिया गया। डीबी भारती समाचार के लिए रुखसार खान के साथ मासूक अली। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। उसका बाजार क्षेत्र के परसपुर गांव की है घटना। गांव में पानी की टंकी बना रही फर्म की बताई जा रही है ट्रैक्टर ट्रॉली। मृतक और घायल व्यक्ति भी इसी फर्म के मजदूर, पुलिस मौके पर मौजूद। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मील, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद।
निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने तैनात आरक्षी अभिषेक सिंह की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मृत्यु होने से उनके पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में शोक सलामी तथा पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रशिक्षणाधीन क्षेत्राधिकारी श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन श्री किशनलाल गौतम व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। राजस्थान के बारा छिपाप दौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमलावदा हाली के गाँव नीमथूर में परबन नदी में आई उफान के कारण गांव टापू बन गया है और उसमें फंसे लोगों को सकुशल आर्मी के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। परबन नदी में आई उफान के कारण शेरगढ़ बांध की सुरक्षा पाल टूट जाने के कारण कई गांव में पानी घुस गया, जिसके चलते छिपाप दौद तहसील क्षेत्र का गाँव नीमथूर टापू बन गया। छिपाप दौद तहसीलदार त्रिलोक चंद्र शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि नीमथूर गाँव में पानी भर जाने के कारण गाँव टापू बन गया था, जहां पर पहुंचकर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और कई लोगों को मंगलवार शाम को बाहर निकाल लिया गया था। बाकी लोगों को बुधवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सभी को सकुशल सेना के जवानों द्वारा बाहर निकाला गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी प्रजापति और तहसीलदार त्रिलोक चंद्र शर्मा, पुलिस थाना अधिकारी रविन्द्र सिंह जादौन, अमलावदा हाली सरपंच दिलीप मीणा, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सिद्दीकी खान नीमथूर एवं कानूनगो हल्का पटवारी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को नवनिर्मित 144 आवासीय भवनों के लोकार्पण के क्रम में जनपद बलरामपुर के महिला थाना में नवनिर्मित आदर्श महिला आरक्षी बैरव का माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में माननीय विधायक सदर बलरामपुर श्री पट्टू राम जी द्वारा फीता काट कर नवनिर्मित आदर्श आरक्षी बैरक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी बलरामपुर डॉक्टर महेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना, अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसी क्रम में थाना ललिया अंतर्गत मथुरा बाजार चौकी में नवनिर्मित आवासीय भवन बैरक का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय विधायक तुलसीपुर श्री कैलाश नाथ शुक्ला द्वारा किया गया। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में लोक भवन में उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के बेहतर आवास की सुविधा के लिए व अन्य आधुनिकीकरण व्यवस्था के लिए
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से लोकार्पण किया है 144 परियोजनाओं का। उसी क्रम में आज हमारे बलरामपुर के महिला थाने में महिला बैरिक हॉस्टल का आज लोकार्पण किया गया है। अंदरपुरवा के पूर्व प्रधान श्री कृष्ण कुमार उर्फ अवतारी अंदरपुरवा मस घुले प्रोली हरैया की तरफ से समस्त ग्रामवासी एवं देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।